हाइट पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हम में से कौन है ऐसा जो हाइट बढ़ाना नहीं चाहेगा? चाइना में तो एक तरीका है हाइट बढ़ाने का, जिससे लोग कम से कम आधा फिट तक हाइट बढ़ा लेते हैं 3-4 महीने में। वो क्या करते हैं एक्चुअली, छुट्टी लेके बैठे तो 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने ऐसे बैठते हैं घर पे। वो अपने जो टांग देख रहे हैं आप, टांग यहाँ पे, वो डॉक्टर उसको एनएससी देके टांग तोड़ देते हैं उसकी हड्डी, और हड्डी के बीच में एक रॉड लगा देते हैं, और वो रॉड लगा देते हैं और उससे, और वो बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस होता है। और रॉड होता है या वो कुछ प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है, जिससे उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, 6 इंच तक भी बढ़ जाती है, और वो फिर ऊंचा लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाइट बढ़ाने के क्रेज़ यहाँ तक है कि उसमें टांगों को तोड़ना भी पड़े, फिर जुड़ना भी पड़े, यहाँ तक इस लेवल तक लोग जाने को तैयार होते हैं। चाहे उसके बाद वो ठीक से चल भी ना पाए, उसके पैरों में ताकत ना रहे, तब भी इस लेवल तक। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो ये विषय पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश मैं करने की कोशिश करता हूँ कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। देखिए, इसमें कुछ बातें हैं कि आपके हमारे जो बॉडी है, बॉडी की बायोलॉजी है 18 साल की उम्र तक, लगभग 18 साल की उम्र तक हमारी ग्रोइंग पीरियड मानी जाती है, जब हमारी बॉडी ग्रो करती है, नेचुरल तरीके से ग्रो करती है। कुछ लोगों की ग्रोथ थोड़ी कम होती है, कुछ लोगों की ग्रोथ बड़ी तेज़ी होती है। तो पहली बात तो कोई ग्रोथ की बात अगर करते हैं तो उसी पीरियड में ही करना लॉजिकल है। उसके बाद जब ग्रोथ रुक जाती है, अब जो मेटाबॉलिज्म रेट हमारे बॉडी का चेंज हो जाता है, तब सारा ध्यान आपके बॉडी का रहता है कि जो बॉडी बनी हुई है इसको मेंटेन करना। और इसीलिए आपकी भूख भी उतनी नहीं होती है धीरे धीरे, जैसे 60 साल का हो गया आदमी होगा, 50 साल का आदमी होगा, रिलेटिवली मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, और आपकी खुराक भी कम होती जाती है, एक्टिविटी भी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है, एनर्जी लेवल भी सब कुछ। एक 50 साल का, 40 साल का आदमी और 20 साल का आदमी कंपेयर नहीं कर सकते, या वही आप जो 40 साल में थे, जो लोग 40 साल के हैं, 20 साल में जो थे, आपकी एक एबिलिटी अलग अलग थी। तो यहाँ पे पहली बात कि जो भी हाइट बढ़ाने से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, दोज थिंग्स आर पॉसिबल ओनली टिल 18 उम्र तक। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, एक मैं सीख आपको देना चाहता हूँ कि ग्रोइंग पीरियड में अगर आप एनारोबिक एक्सरसाइज करेंगे, एनारोबिक एक्सरसाइज वो होता है जैसे जिम में, जहाँ सांसें रोकनी पड़ती हैं, राइट, जिम में जब आप वेट उठाते हैं तो वो एनारोबिक एक्सरसाइज है, पुशअप करना एनारोबिक एक्सरसाइज है। जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो उस वक्त के बाद से आपका जो हाइट है बढ़ना ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ऐसे बच्चे जो छोटे उम्र में, मान लो 8th क्लास में 7th क्लास में जिम ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे करते हैं कई बार देखा देखी कि चलो जिम ज्वाइन कर लें, बॉडी बनाने की इच्छा हो रही है, और मूवी में देख के भी लगता है सिक्स पैक बनाए और जिम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी बननी शुरू हो जाएगी बड़ी जल्दी, लेकिन अब उसका हाइट वो और नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले हाइट को ना बढ़े उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हाइट रुक जाए आपकी, एनारोबिक एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एनारोबिक हो 18 साल से पहले पहले, राइट। जब आपका ग्रोथ पीरियड है, जैसे मैंने पुशअप किया लगातार रोज कर, कभी कभी कुछ कोई एक्सरसाइज कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा रूटीन ही था, दिन में 1500 पुशअप भी कर लेता था मैं एक टाइम पे, जब छोटे बच्चे जब मैं था तब की बात कर रहा हूँ, तो उससे बॉडी अच्छी दिखने लगी, लेकिन ये एनारोबिक एक्सरसाइज से हाइट वहीं रुक गई। तो एनारोबिक एक्सरसाइज नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे जो 18 साल के नहीं है वो हाइट बढ़ाएं। तो क्या करना चाहिए? एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज कौन से होते हैं? जैसे फुटबॉल खेलना, दौड़ना, बैडमिंटन खेलना, डांस करना, ये सारे एरोबिक एक्सरसाइज है। और सबसे अच्छा है जिमनास्टिक, लटकना, नहीं ये भी एरोबिक एक्सरसाइज में आता है। तो ये सारे चीज़ें करने से आपकी हाइट बढ़ेगी, और इसका ठीक उल्टा, एरोबिक एक्सरसाइज करने से हाइट नहीं बढ़ेगी, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा जिस एज में करेंगे। कई ऐसे ही बच्चे देखें 5वीं क्लास में हैं, वो बाई चांस वो जिम का पता नहीं कहाँ से शौक चढ़ गया, बट नाउ द हाइट रिमेन देयर ओनली, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा प्रोटीन ज़्यादा अगर इंटेक करेंगे तो प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने से हाइट बढ़ जाती है। लेकिन प्रोटीन ज़्यादा कहाँ है? एनिमल सोर्स में है, जैसे एनिमल फूड में है, डेयरी प्रोडक्ट में है, जो लोग दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ या अंडे वगैरह ऐसे पीते हैं, जहाँ पे जैसे मान लो पंजाब में ज़्यादा ही इस तरह के रिवाज है, इस तरह के पंजाब में, हरियाणा में, तो यहाँ के लोग आप देखेंगे थोड़े लंबे ज़्यादा देखेंगे इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है वो हमेशा अच्छी और ज़रूरी नहीं है। कैंसरस सेल्स, ट्यूमर भी बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, बड़ी तेज़ी से ट्यूमर बढ़ता है, तो क्या उसको अच्छा मानते हैं? नहीं मानते, उसे ख़राब मानते हैं। तो कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाए तो दैट मे नॉट बी गुड।
तो हाइट भी बड़ी तेज़ी से बढ़ जाए या एक बच्चा बड़ी तेज़ी से फूलने लग जाए तो वो एनिमल प्रोटीन से हो सकता है। एनिमल प्रोटीन से एक तरफ हाइट तो बढ़ा देगा लेकिन वो आपके अंदर भविष्य में कैंसर की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कैंसरस जो दिखता है वो कैंसर जो सबसे ज़्यादा है वो पंजाब में दिखाया जाता है एमंग ऑल द स्टेट्स, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। सिर्फ हाइट पे फोकस करेंगे तो और एनिमल प्रोडक्ट लेंगे तो दिक्कत है। तो अब और क्या चाह रहा है, प्लांट प्रोटीन, जैसे आप नट्स अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, पीनट्स हैं, आलमंड हैं, कैशू नट्स हैं, नट्स का दूध बनाइए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं बोल रहा, नट से दूध बनना, नट्स को भिगो दिए मुट्ठी भर और अगले दिन उसको पीस लिया, पानी में डाल के ब्लेंड कर दिया तो दैट बिकम्स अ नट मिल्क, उसको छान के या यूं ही आप पी सकते हैं, दैट बिकम्स नट मिल्क। सो ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक है इसको खा सकते हैं, कच्चा खाया जाए या नहीं तो इसका जूस पी सकते हैं। तो ग्रीन एंड रेड वेजिटेबल्स एंड नट्स एंड स्प्राउट्स ये बच्चों के डाइट का पार्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ग्रोथ भी होगा प्लस सेफ ग्रोथ होगा, कोई कैंसर ग्रोथ नहीं हो जाएगा कि भविष्य में वो कैंसर का कारण बन जाए या ऑटोइम्यून डिजीज का कारण बन जाए। हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जहाँ पे जिक्र किया कि बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 1 कैसे हो जाता है, स्किन डिजीज़ लोगों में बच्चों में कैसे हो जाता है, तो वो ऑटोइम्यून डिजीज़ कैसे होता है जब आप एनिमल फूड एनिमल प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो प्लांट प्रोटीन लेना है राइट, और जो जिसके सोर्सेज मैंने आपको बता दिया, लटकना है, दौड़ना है, पार्क में जाना है, जिम में जाना है, अवॉइड करना है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर वो बच्चा 18 साल तक वो ग्रो करता रहेगा, एक स्पीड में ग्रो करेगा। एक बात और भी है जो हमें समझना होगा, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी हाइट है, आपके पिताजी, आपकी माताजी, उनके हाइट पे भी निर्भर करती है जेनेटिक फैक्टर। जैसे आपका स्किन का कलर है वो भी आपके परिवार में आपके माता पिता के जो स्किन कलर होगा उस पे ही डिपेंड होगा, उसके लिए ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते फॉर दैट मैटर। ग्रोथ के लिए फिर भी हम कर सकते हैं, लंबाई के लिए फिर भी हम कर सकते हैं कि माता पिता बहुत लंबे ना भी हों लेकिन अगर बच्चे को जिमनास्टिक में ज्वाइन करा दिया या लटकना उसको सिखा दिया, लटकने की एक्सरसाइज या दौड़ना और प्लांट प्रोटीन ज़्यादा लेना इन रॉ फॉर्म, तो उसकी ग्रोथ उनके पेरेंट्स से ज़्यादा हो सकती है। तो हमें वी शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड अबाउट हाइट राइट, हाइट के लिए हमें ऑब्सेस्ड कभी भी नहीं होना चाहिए। ऑब्सेस्ड होंगे तो हम किसी न किसी ट्रैप में फंसेंगे। मतलब आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे कि हाइट बढ़ा लो राइट, एक महीने में 2 इंच हाइट बढ़ा लो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे जो एक बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, जो साइंस है, उस साइंस के खिलाफ काम करके बॉडी बढ़ा नहीं सकती अपने आप को। ट्यूमर हो सकता है, वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा अगर दवा करता है या ऐसे कोई स्टेरॉइड्स की बात करता है अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो अननेचुरली बढ़ेगी तो वो उसे कैंसर ही बोला जाता है, वो आपके लिए डेडली होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, हाइट बढ़ता है टिल यू आर 18 ईयर्स ऑफ एज विद ऑल दीज थिंग्स जो मैंने बताया, और उसके बाद आपका बॉडी मेंटेनेंस मोड पे आ जाती है ना कि ग्रोथ मोड में। इसलिए आपने देखा भी होगा दांत टूटेंगे तो नए दांत फिर नहीं आते राइट। तो ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट रखिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टे हेल्दी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। धन्यवाद, थैंक यू।